हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में एनवायरप को कैसे प्रिंट करते हैं और उसमें हम उस ऑप्शंस के बारे में एनवायरप ऑप्शंस के अंदर जितने भी ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के बारे में हम सीखेंगे कि रिटर्न एड्रेस कैसे डालते हैं और डिलीवरी एड्रेस कैसे डालते हैं और उसके बाद हम प्रिंट कमांड कैसे देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको भी यदि कभी जरूरत पड़े एनवेलप की तो आप खुद टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एमएस वर्ड को ओपन कर लें। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद आपको आपको जाना है ये आपको जाना है इस टैब में, मेलिंग में जाना है, होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस के बगल में जो मेलिंग है इस पे आपको जाना है, इस ऑप्शन में जाना है, इस टैब में आपको जाना है, इस टैब में आपको क्लिक करना है। टैब में क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपको फर्स्ट में आपको एनवेलप्स मिल जाता है। एनवेलप्स पे आप क्लिक कीजिए। एनवेलप्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एनवेलप का एक डायलॉग बॉक्स सामने खुल कर आ जाता है और यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस इसमें आपको टाइप करना होता है, यानी कि आपको कहाँ पर भेजना है, किस स्थान पे आपको भेजना है, तो वहां का एड्रेस डाल दीजिए आप। जो भी आपका एड्रेस है वहां का एड्रेस डाल दीजिए आप। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे मान लीजिए आप अपना जो भी इसमें आप पूरा डिटेल तरह से आप अपना डिलीवरी एड्रेस जो भी आपको परफेक्ट एड्रेस है वो आप एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड आप डाल दीजिएगा। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे आना है रिटर्न एड्रेस में। यदि मान लीजिए उस स्थान पे उस एड्रेस पे हम भेजे वो रिसीव नहीं कर सका जिसके लिए हम भेजे थे तो वो माल तो फिर वो रिटर्न होकर कहाँ पे आएगा। रिटर्न एड्रेस हम डाल देते हैं यहाँ पे। रातू रोड रांची झारखंड, वहां पे आप डाल सकते हैं। पूरा इसमें डिटेल आप डाल देना जो भी मतलब परफेक्ट एड्रेस है। हम सिर्फ आपको सिंपली बताने के लिए सिर्फ मैं ऐसा टाइप कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीव्यू में इस टाइप का आपका प्रिंट प्रीव्यू होगा, जो प्रिंट होगा इस तरह से प्रिंट होगा। और इसमें आप लेबल्स में जाएंगे तो इसमें यूज तो है यूज रिटर्न एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें आपको यही मतलब लेबल्स, इसमें सिर्फ आप अभी फिलहाल हम एनवेलप्स के बारे में बता रहे हैं, एनवेलप्स को आपको कैसे प्रिंट करना है। तो सो फ्रेंड्स, हम लेबल्स के बारे में आगे की वीडियो हम देखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, इसमें सिर्फ एनवेलप्स से रिलेटेड ही कुछ लेबल्स के अंदर कुछ ऑप्शंस है। इसमें फुल पेज ऑफ द सेम लेवल है, सिंगल लेवल है, वहाँ पे
इसलिए जब अपन न्यू डॉक्यूमेंट रहता है, न्यू डॉक्यूमेंट लेना तो न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ई पोस्टेज प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, सिंपली आप एनवेलप्स प्रिंट कैसे करते हैं, साधारण सी भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पे आप डिलीवरी एड्रेस भी टाइप कर दिए, रिटर्न एड्रेस भी टाइप कर दिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको प्रिंट कमांड देना। प्रिंट कमांड देने के बाद एस कर दीजिए। एस करने के बाद इसमें आपको सेव करना है, आप फाइल में कुछ भी डाल दीजिए। और यहाँ पे किस टाइप में आपको सेव चाहिए, पीडीएफ में, मान लीजिए इसको हम डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। सेव पे कर, सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आप जैसे कि इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे रातू रोड रांची, इसका रिटर्न एड्रेस है, इसका डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर है। इसको आप यहाँ से भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल पी बटन दबाइए, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं इसको। इसको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहने दीजिए, मोर सेटिंग में जाकर इसका सेटिंग सब चेक कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट दे देना है बस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।